Dear students, I have explained you four stanzas of this poem, The Fountain. Now today I am going to explain the rest of the stanzas of this poem. Now listen carefully. देखिए मैंने आपको इस पोएम की जो बाकी स्टेंजार्स स्टार्टिंग के फोर स्टेंजार्स थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था कि इस पोएम के पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल और पोएट जो है वो अपने इस पोएम के थ्रू हमें एक मैसेज देना चाहता है कि जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सनशाइन में मूनलाइट में स्टारलाइट में फाउंटेन्स हमें किस तरह से दिखते हैं और उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं तो वैसे ये पोएट हमें हमारी लाइफ में ये मैसेज देना चाहता है कि जैसे फाउंटेन हमेशा सनशाइन मूनलाइट स्टारलाइट में रहते हैं उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हमें हमारी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स अब आगे के हम स्टेंजास देखते हैं. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट. ग्लैड मीन्स प्रसन्नचित ऑफ ऑल वेदर्स. पोएट कहता है कि फाउंटेन जो होते हैं वो हर मौसम में बहुत ही खुश रहते हैं बहुत ही प्रसन्न रहते हैं. स्टिल सीमिंग बेस्ट सीमिंग मीन्स प्रतीत होना और हमेशा क्योंकि वो बहुत खुश रहते हैं हर मौसम में इसलिए वो हमेशा बहुत ही सुंदर अच्छे प्रतीत होते हैं. अपवर्ड और डाउनवर्ड. अपवर्ड ऊपर की ओर और डाउनवर्ड नीचे की ओर. आप देखते हैं फाउंटेन्स हमेशा ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं. मोशन दाई रेस्ट मोशन गति. दाई एक पोएटिक लैंग्वेज है रेस्ट आराम. तो पोएट कहता है चाहे फाउंटेन्स ऊपर की ओर उठें या नीचे की ओर जाएं जो भी उनकी गति होती है ऊपर या नीचे उठने या गिरने की वही उनका आराम होता है. मीन्स उनकी गति ही उनका आराम होता है. नाउ आगे देखते हैं. फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम. अब पोएट कहता है फुल ऑफ अ नेचर. फाउंटेन्स जो होते हैं वो प्रकृति से भरे होते हैं. नथिंग कैन टेम कोई भी उन्हें पालतू नहीं बना सकता. टेम इज़ पालतू बनाना. कोई भी उन्हें टेम पालतू नहीं बना सकता. चेंज एवरी मोमेंट मोमेंट क्षण हर क्षण. फाउंटेन पोइट कहता है फाउंटेन्स जो होते हैं वो हर क्षण बदलते हैं. कैसे हर क्षण बदलते हैं मीन्स अपने पॉइंट से जब वो उठते हैं तो फिर नीचे की ओर गिरते हैं ऊपर जाते हैं फिर नीचे की ओर गिरते हैं तो वो हमेशा एक जैसे एक जगह पर नहीं रहते. वो हमेशा हर क्षण गिरते रहते हो मीन्स ऊपर उठते नीचे गिरते हैं तो बदलते रहते हैं. एवर द सेम फिर भी वो एक जैसे ही रहते हैं. नाउ सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कॉन्टेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट. पोएट कहता है सीजलेस मीन्स निरंतर. एस्पायरिंग मीन्स आकांक्षा होना. तो पोएट कहता है कि फाउंटेन जो होते हैं उनके अंदर निरंतर अपने काम को करने की एक आकांक्षा एक इच्छा होती है. सीजलेस कॉन्टेंट और उसी तरह से अपने काम के लिए उनके अंदर लगातार संतुष्टि भी होती है. कंटेंट संतुष्ट रहते हैं वो अपने काम के लिए. डार्कनेस और सनशाइन चाहे अंधेरा हो या रोशनी हो. दाई एलिमेंट दाई पोएटिक लैंग्वेज है एलिमेंट तत्व. डार्कनेस और सनशाइन मीन्स अंधेरा या रोशनी ही उनके तत्व होते हैं. मीन्स किसी भी कंडीशन में वो अपने काम को निरंतर करते रहते हैं और उनसे वो संतुष्ट भी रहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स देखिए जितने भी मैंने आपको स्टेंजास बताए हैं उनमें पोएट ने कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हमें हमारी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए बताया है कि किस तरह से हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. कोई भी मौसम हो किसी भी स्थिति में दुख हो या सुख हो कैसी भी स्थिति आए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए. अपने काम के लिए निरंतरता रखनी चाहिए और अपने काम में संतुष्टि रखनी चाहिए. तो इस तरह के कुछ मैसेजेस वो हमें कन्वे करता है. अब लास्ट स्टेंजा में देखिए. ग्लोरियस फाउंटेन मार्क देख रहे हैं आप लगा हुआ है आगे. ग्लोरियस फाउंटेन पोएट कहता है फाउंटेन जो होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं. ग्लोरियस में शानदार हैं. लेट माई हार्ट बी. अब वो अपने हृदय से ये चाहता है कुछ विश है उसकी कुछ इच्छा है कि जिस तरह से फाउंटेन्स हैं वैसे ही वो अपनी अपने हृदय को भी अपने हार्ट को भी चाहता है. बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट. वो चाहते हैं कि मेरा हृदय भी फाउंटेन्स की तरह फ्रेश रहे चेंजफुल रहे मीन्स ताजगी रहे. चेंजफुल हमेशा बदलाव आता रहे. कॉन्स्टेंट मीन्स स्थिर रहे. अपवर्ड लाइक दी और लाइक दी मीन्स तुम्हारी तरह. दी पोएटिक लैंग्वेज है तुम्हारी तरह ही. अपवर्ड मीन्स हमेशा ऊपर की ओर उठता रहे. नाउ तो पोएट की अपने लिए भी एक विश है कि वो फाउंटेन के जैसा ही फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट रहे और दूसरे को भी मीन्स रीडर्स को भी वो ये मैसेज देना चाहता है कि हमेशा फाउंटेन के जैसे ही हमें फ्रेश चेंजफुल और कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है यहाँ पे. अब आप इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर लीजिएगा और वन बाय वन वर्ड लाइन स्टेंजा हर चीज़ को बार बार वीडियो को सुनियो और अपनी पोएम को क्लियर करिए. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू.